चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इन्फॉर्मेशन क्या देके रखा हुआ है, तो हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा। अब सम को आगे ले जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बोला गया है कि सर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। कैसा, कौन सी मेथड बच्चा? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहला स्टेप जो है, जो ध्यान रखना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा बच्चा? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप बोलोगे सर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ध्यान क्या रखना है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फोर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला x एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखो कि बच्चा, तो ये यहाँ ऑलरेडी फैक्टर आपको दे के ही रखे हैं, हमें वैल्यू सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ टू एक्स कंसिडर करो, तो यहाँ पे टू एक्स ए स्क्वायर माइनस टू एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉइंट समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बच्चा? तो यहाँ से आप देखोगे तो सर निकलेगा 2x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले हम बोलेंगे 2 कॉमन निकाला है तो 2 रहेगा, और x सेम वे बच्चा, यहाँ 2x तो कॉमन निकल गया है तो आगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर। सेम वे बच्चा, यहाँ माइनस की साइन लिखी और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखा। 2x एज इट इज़, यहाँ साइन ध्यान रखना है, माइनस कॉमन निकला है तो साइन हो जाएगी माइनस की। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो इसके बाद वाला स्टेप ध्यान में रखना, ये दोनों सेम आने चाहिए और हमारे दोनों सेम आ रहे हैं ब्रैकेट, तो हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2x ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और कंपेयर किया 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो और 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरी साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर और x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के।